हाथियों और महावत के बीच जो रिश्ता है उसकी मिसाल जानवरों की दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। वो रिश्ता जो 4000 साल पुराना है। हाथियों ने देश बसाने में मदद की है, हुकूमतों की रखवाली की है और लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। हम बर्मा के करेन कौम के हैं, लेकिन वहां जीना दुश्वार था। अपनी कौम के कई लोगों की ही तरह हम भी काम और घर बार की तलाश में थाईलैंड चले आए। पहाड़ी कबीलों में हम वो पहली कौम थे जिसने हाथियों के साथ काम किया। मेरा नाम है जो मियासा। मैंने सिर्फ महावत का ही काम किया है, लेकिन अब ये पेशा लगभग खत्म हुआ जा रहा है। मेरी बेटी ये काम करने वाली शायद हमारी आखिरी पीढ़ी होगी। अब वक्त आ गया है कि मैं ये काम सौंप दूं। अब मेरी बेटी इस परंपरा को आगे बढ़ाएगी। ये हमारी कहानी है, हमारे लोगों की कहानी है और हाथियों के एक महान साम्राज्य की कहानी है। मेरा नाम है मावी आंग। मैं 17 साल की हूँ और ये है हमारा घर। पश्चिमी थाईलैंड के हाथियों के ठिकाने में पहाड़ों और नदी के बीच एक घने जंगल के किनारे पर। जब हम लोग यहाँ आए थे तब मैं 3 साल की थी। हाथी बचपन से ही मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा रहे हैं, मेरे खानदान का भी अहम हिस्सा। नोंग बोओंग मेरा सबसे प्यारा हाथी है। हम दोनों साथ साथ बड़े हुए हैं। हम दोनों हम उम्र ही हैं। हाथी के ज्यादातर बच्चों की ही तरह नोंग बोओंग भी हमेशा अपनी माँ के साथ ही रहा करती थी। मैं महावतों के परिवार से हूँ। पहले मेरे पिता, फिर मेरे भाई और अब मैं। जब मैं पहली बार अपने पिता के साथ हाथी पर बैठी थी तब से ही मैंने सोच लिया था कि मैं महावत ही बनूंगी। हम हर सुबह हाथियों को नहलाते हैं। मेरे पिता नोंग बोंग की माँ नोंग सा को नहलाते हैं। मैं अपने भाई के साथ नोंग बोंग को नहलाती हूँ। शुरू शुरू में मैं अपनी बेटी को नोंग बोंग पर चढ़ने देने से घबराता था। पारंपरिक रूप से हाथी की सवारी मर्दों का काम रहा है, लेकिन मेरी बेटी की बात ही कुछ अलग थी। शुरू से ही माँ बेओंग और नोंग बोओंग हमेशा साथ साथ ही रहा करते थे। मुझे लगता है कि नोंग बोओंग मेरी बहनों में से ही एक है। हाथी अपनी सूंड को वैसे ही इस्तेमाल करते हैं जैसे हम अपने हाथों को करते हैं, सहलाने के लिए, प्यार करने के लिए या फिर हेलो कहने के लिए। हाथियों को नहला लेने के बाद हम उन्हें झील के उस पार ले जाते हैं। पानी काफी गहरा होता है। नोंग बोओंग को दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए तैरना पड़ता है। पानी गंदला होने के कारण उसे दिखाई नहीं देता है और मुझे रास्ता दिखाना पड़ता है। मैं उसका सर थपथपाकर उसे रास्ता दिखाती रहती हूँ। जब मेरे पिता जवान थे
तब हाथी का मालिक होना बड़े गर्व की बात हुआ करती थी। उस जमाने में हाथी हर काम के लिए इस्तेमाल होते थे, जंगल की सफाई से लेकर चावल के खेतों में बुआई तक। आज हाथियों का काम सैलानियों का दिल बहलाना भर ही रह गया है। जब सैलानियों के आने का मौसम होता है तब काफी काम रहता है। इस हाथी का नाम क्या है? नानबोंग। अच्छा, नानबोंग। लेकिन फिर भी कभी कभी हफ्ता हफ्ता भर सैलानियों की सूरत तक दिखाई नहीं देती है। मौसम के सबसे अच्छे दौर में भी हम हाथियों की देखभाल के लिए काफी पैसे नहीं कमा पाते हैं। इस मौसम में तो हाल और भी खराब है। हम सब फिक्रमंद हैं। ऐसे हालात में हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं राह दिखाने की। हम हाथियों को आशीर्वाद दिलवाने और अपनी खुशहाली के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। यहाँ से सबसे करीबी गांव तक हाथी पर बैठकर एक हफ्ते में पहुंचा जा सकता है, लेकिन मुझे फिक्र है कि ये सफर मावियाओं के लिए बेहद मुश्किल होगा। हम 2 दिन बाद निकल पड़ेंगे। आज मेरे पास कोई खास काम नहीं है, इसीलिए मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। मैं अपनी क्लास में सबसे बड़ी हूँ। मैं रोज स्कूल नहीं जा पाती हूँ क्योंकि मुझे अपने पिता के साथ काम करना होता है। मैं अब भी पढ़ना लिखना सीख रही हूँ। ये बेदिली से बैठा लड़का तिरावत है, जो मुख्य महावत का बेटा है। इसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। इसे हाथियों के साथ खेलने कूदने का बहुत शौक है। जब हम स्कूल नहीं जाते तब तिरावत और मैं अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त हाथियों के साथ ही गुजारते हैं। हाथी एक ही दिन में केले के 30 से 40 पेड़ खा जाते हैं। हाथियों से प्यार करने का मतलब होता है उनकी अच्छे से देखभाल करना, उनके प्रति प्यार जताना पड़ता है उन्हें छूकर और लिपटकर। तिरावत के पिता हाथियों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें कैसा आहार और कौन सी दवाएं दी जानी चाहिए ताकि वो तंदुरुस्त रहें। तिरावत भी अपने ही पिता की तरह एक दिन महावत बनना चाहता है। ये अभी बहुत छोटा है और उसे बहुत कुछ सीखना है। मैं उसे सिखाती रहती हूँ, लेकिन हम ज्यादातर खेलते रहते हैं। हाथी की जिंदगी 70 बरस तक होती है। ये सोचकर अच्छा लगता है कि मैं और नॉन बोंग साथ साथ बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखेंगे। मेरे पर पानी मत फेंको। मुझे अपने पिता के साथ काम करना अच्छा लगता है। वो दिन के मामूली कामों को भी मजेदार बना देते हैं। आज हम बांसों से सैलानियों के लिए बेड़ा बना रहे हैं। बेड़ों को नदी तक पहुंचाने के लिए हम हाथियों की ताकत इस्तेमाल करते हैं। मैं हमेशा से ही नानबोंग की शक्ति से प्रभावित रहा हूं। वो अकेली ही 0.5 टन का वजन आसानी से खींच लेती है।
मैं बेड़ों को नदी के किनारे से बचाए रखने के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता ही चुनने की कोशिश करती हूँ। मेरे पिता इस बात का ख्याल रखते हैं कि हम पत्थरों के बीच फंस न जाएं। नदी कहीं कहीं बहुत गहरी है और पानी का बहाव काफी तेज है। हाथी को गहरे पानी में नहीं ले जाया जा सकता है, वरना हम तेज बहाव के कारण डूब सकते हैं। लेकिन अगर बेहद उथले पानी में रहे तो बेड़े पत्थरों से टकराकर टूट जाएंगे। मेरे पिता को नदी बहुत पसंद है। मेरी माँ कहती है कि उनके दिल में अब भी कोई बच्चा ही बसा हुआ है। मैं कहती हूँ कि नदी भी उन्हीं की तरह है। कल बेहद खास दिन है। कल हम जंगल के लंबे सफर पर निकल पड़ेंगे। मैं अपने पिता का दिल जीतना चाहती हूँ, लेकिन मुझे फिक्र है कि मेरे पास इतने लंबे सफर के लिए पूरा हुनर नहीं है। हम सुबह सवेरे ही निकल पड़ेंगे। हाथियों को भी सफर के लिए तैयार करना होता है। हौदा लग गया है, राशन पानी चढ़ा दिया गया है। हम लंबे सफर के लिए जरूरत की हर चीज साथ लेकर चल रहे हैं। सफर शुरू करने से पहले हम पूजा पाठ कर लेते हैं ताकि हमारा जंगल का सफर सुरक्षित रहे और हम सही सलामत लौट आएं। अगर हम ऊपर वाले का सम्मान करेंगे तो वो हमारी रक्षा भी करेगा और हमें राह भी दिखाएगा। हम 5 लोग सफर पर निकलेंगे। मैं और मेरे पिता नॉन बुआंग के साथ, तिरावत और उसके पिता नॉन्ग एना पर सवार होंगे, और जो पुकली नॉन्ग सा पर, जो मेरे हाथी की माँ है। ठहरो ठहरो, ये भूल गए हो। आप सुपारी तो भूल गए थे। गुड लक। हमें इसकी जरूरत है। धन्यवाद। हमारा सफर बेहद लंबा है। हम बौद्ध महोत्सव के लिए दूर दराज के गांव में जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा त्योहार है जो बरसात का मौसम खत्म होने पर मनाया जाता है। वहां भिक्षु हाथियों को आशीर्वाद देंगे और हम चढ़ावे चढ़ाएंगे, इस आशा के साथ कि उससे हमें खुशहाली के दौर देखने को मिलेंगे। हमें खूब घने जंगलों से गुजरना होगा, ऊंचे से पहाड़ के दर्रे से भी गुजरना होगा और तेजी से बहते दरिया भी पार करने होंगे। मैं इतना लंबा सफर पहली बार करूंगी। अंगूर की बेल अच्छी दवा होती है, इसे काट कर आँखों में डालते हैं। इस तरह से देखो, पहले दिन हाथियों और महावतों दोनों को ही समझने संभलने की जरूरत होती है, और इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि माँ बियोंग और नॉन्ग बुआंग दोनों पर ही कोई खास दबाव न पड़े। हमें अंधेरा होने से पहले नदी तक पहुँचना है।
हाथियों को खूब प्यास लगती है। वो कुछ ही मिनटों में 200 लीटर से ज्यादा पानी पी जाते हैं। हौदा उतार लेने पर हम हाथियों की मालिश करते हैं ताकि उन्हें होने वाला दर्द कम हो जाए। उन्हें रगड़ रगड़ कर नहलाने से खून चूसने वाले जीव उनके शरीर पर नहीं रह पाते और उनके काटने से होने वाले घाव के सड़ने की संभावना नहीं होती। हम काफी लंबा सफर तय कर चुके हैं और अब आराम करने वाले हैं। जंगल कितना हरा भरा है। मुझे हमेशा लगता है जैसे पत्तों की आड़ से कोई मुझे देख रहा है। वाह वानर वानर। देखा आपने, हट जाइए मकड़ी काट लेगी। देखिए वहाँ टहनियाँ हिल रही हैं। नीचे की टहनियों पर कुछ परिंदे हैं। और सबसे ऊपर पेड़ की ऊपर की टहनियों पर वानर हैं। नर और मादा मिलकर एक दूसरे को गीत सुनाते हैं। इस गीत से परिवार के इलाके की पहचान और सुरक्षा होती है। लेकिन मुझे तो ये गीत बिछड़े प्रेमियों की आवाज लगते हैं। वानरों की पुकारों से अंदाजा होता है कि जंगल कितना बड़ा है। ये वो प्यारी पुकारे हैं जो सवेरे सवेरे सुनाई देती हैं। कितनी प्यारी हैं। वानरों को जीने के लिए बड़े बड़े पेड़ों की जरूरत होती है। वो अपनी ज्यादातर जिंदगी पेड़ों के ऊपर ही बिताते हैं, बस कभी कभार ही जमीन पर आते हैं। एक जमाने में ये जंगल वानरों से भरा हुआ करता था, लेकिन अब वो कम ही दिखाई देते हैं। जंगल के जिस हिस्से में कभी वानर रहा करते थे वो अब कट चुका है। ये वानर भी खतरों से दूर नहीं है। शिकारी आज भी इन्हें गोश्त के लिए, दवाइयों के लिए या फिर पालतू जानवरों की तरह बेचने के लिए इनके पीछे ही पड़े रहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि लोग इतने खूबसूरत और प्यारे जीव के पीछे क्यों पड़े हैं। कुछ ऐसे जानवर हैं जिनका परंपरा के अनुसार शिकार नहीं किया जाता। वानरों की ही तरह धनेश भी पावन जीव है। ये भी जीवन की निशानी है। हमारे पूर्वजों ने कहा है हमें घनेशों का शिकार नहीं करना चाहिए। अगर नर घनेश मारा जाता है तो मादा भी अपने प्राण त्याग देती है। Thank you.
हमें हाथियों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कहते हैं कि मरने के बाद अगले जन्म में वो मानव का रूप ले लेते हैं। मेरे हाथी को सब सुनाई दे रहा है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इसमें इंसानों के सभी गुण हैं। आ जाओ, दूर मत जाना और सांपों से होशियार रहना। कल हमें एक पहाड़ी दर्रे से गुजरना होगा जो बहुत ही मुश्किल होगा। काश कि मैं हिम्मत ना हारूं। आज हमारे सफर का दूसरा दिन है। पहाड़ चढ़ना अब भी बाकी है। मैं नॉन बोंग को इससे पहले कभी ऐसी ऊंचाई पर लेकर नहीं गई हूँ। ये हाथी के लिए काफी मुश्किल काम है। चलो चलो, पहाड़ के ऊपर क्यों नहीं चढ़ते? एक जमाने में जब सरहदें नहीं हुआ करती थीं, तब हाथी ही हमें पहाड़ पार कराया करते थे। हम इन आने जाने के लिए मुश्किल माने जाने वाले इलाकों में आराम से घूमा करते थे। वैसे तो हाथी विशाल और बेहद शक्तिशाली जीव होते हैं, लेकिन खतरे उन्हें भी कम नहीं होते। एक छोटी सी मकड़ी, एक छोटी सी चींटी, एक जहरीला सांप हाथी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मकड़ी हाथी की सूंड पर चढ़कर वहां काट सकती है जो हिस्सा सबसे नर्म होता है। इन महावतों का काम होता है कि हम इन प्यारे दानवों की रक्षा करें। अब कटाई का मौसम है और हम उतना ही धान बोते हैं जितने की हमें अगले बुआई का मौसम आने तक की जरूरत होती है। कैसे हैं आप? हम लोग हाथियों के गढ़ से हैं। क्या हम यहाँ रात बिता सकते हैं? आइए आइए आइए। सोमाचार्ट सेटअप एंड एक टीचर है और उसी गांव में पढ़ाते हैं जहां हम जा रहे हैं। आप अपना सामान यहां रख दें। ये यहां अपने धान की खेती करते हैं और इन्होंने हमें अपने साथ रात बिताने की दावत दी है। सवेरे ये भी हमारे साथ सफर पर निकल पड़ेंगे। अच्छा, तो आप बता रहे थे कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ आपने धान की खेती कभी नहीं देखी है? बिल्कुल भी नहीं, हमने तो कभी धान तक नहीं देखा है। अच्छा, आप चावल के बारे में इतना ही जानते हैं कि उसे खाया कैसे जाता है ना? टीचर जी को हम सब बड़े अजीब से लग रहे हैं। आजकल धान के खेतों से गुजरते हाथियों के कारवा का मंजर कहाँ देखने को मिलता है, और हाथी की सवारी लड़की कर रही हो, ऐसा तो कम ही होता है। आपके क्या हाल है बिटिया? हाथियों की सवारी करने में क्या मजा आता है? हाथी की सवारी में मजा आता है क्योंकि ये इतना बड़ा जानवर है ना, और इसका सर भी बहुत बड़ा है। सर नर्म है क्या?
आपको हाथी की सवारी करने किसने सिखाया? मेरे पिता ने। आपको अकेले हाथी की सवारी करने में डर लगता है? हाथी की सवारी में मजा आता है? आपको पसंद है क्या? क्या आपको हाथी से प्यार है? आप अपना प्यार कैसे जताते हैं? आप इसे चूमते हैं क्या? नहीं, प्यार से थपथपाता हूँ। और पिताजी क्या करते हैं? है? पिताजी जोर से थपथपाते हैं। अच्छा, जोर से थपथपाते हैं। टीचर जी बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति हैं। वो जानते हैं कि प्रकृति ने 7 तत्वों की रचना की है, मानव, पशु, पेड़ और धरती, जल, वायु, तथा अग्नि। इन 7 तत्वों को सदा साथ रहना चाहिए। इनमें से एक भी दूसरे के बिना अधूरा है। ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं। हर तत्व में एक पावन आत्मा है, पत्थरों में भी। मैं जानती हूँ कि ये सच है। जब मैं जंगल में होती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि पूरा जंगल जैसे एक ही जीव है। प्रकृति द्वारा निर्मित इन 7 तत्वों में से कोई एक किसी दूसरे को ज्यादा हानि पहुँचाता है तो उसके साथ बहुत बुरा होता है। यहाँ जीवन बेहद सरल है, लेकिन हमारे आसपास की दुनिया तेजी से बदल रही है। अगर जंगल गायब हो गए तो हम कहाँ जाएंगे? अब हम जंगल के बहुत अंदर हैं। मैं जंगल में इतनी दूर पहले कभी नहीं आई हूँ। ये जंगल की दुनिया है। ठहरो ठहरो, रुको। ये देखो, ये निशान कैसा है? क्या ये बाघ का निशान है? हम तीनों चलकर देखते हैं। बच्चों को हाथी पर से उतरने मत देना। ये बाघ के पैर के निशान है, वही है ना? हाँ, बाघ का निशान है। मुझे भी देखना है। नहीं, ठहरो। ये निशान ताजा ताजा है। बाघ जरूर आसपास ही होगा। वहां भी है, उस तरफ गए होंगे। चलो चलो, यहाँ से निकल चलें। चलो चलो, उठो। मैं आज रात जंगल में नहीं सोऊंगा। तीरावत को बाघ से डर लगता है। पिताजी, क्या वो सच में बाघ का निशान था? ये बहादुरी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन है तो छोटा सा बच्चा ही ना। बाघ अब भी आसपास हो सकता है। चलो 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 यहाँ से। चलो चलो चलो, हमें जंगल से बाहर निकलना चाहिए। हम आज रात जंगल में नहीं सोएंगे। मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। अगर वो पेड़ पर चढ़ गया तो? अगर वो चढ़ा तो मैं नीचे कूद पड़ूंगा। मैंने आज तक बाघ नहीं देखा है, और मैं शायद इससे ज्यादा करीब पहुँचना पसंद भी ना करूँ। हमें डेरा डालने के लिए नदी के किनारे एकदम सही जगह मिल गई है। अब हाथियों को आराम करने देना चाहिए और हमें अपना काम अंधेरा होने से पहले खत्म कर लेना चाहिए। ये हैं केले के पत्ते, जिन्हें बिछाकर हम इन पर सोएंगे। Oh, yeah, mommy, mommy, yeah.
हम पानी उबालने के लिए बांस का इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं के कप बनाकर पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हम पत्तों पर खाना खाते हैं। जब काम पूरा हो जाता है तब हम कचरा साफ कर देते हैं। आज रात हम हाथियों को करीब ही रखेंगे ताकि अगर बाघ आए तो हाथी जोर जोर से चिंघाड़ कर हमें आगाह कर सकें। आज बाघ के पैरों के निशान देखकर हम सभी हैरान रह गए थे। मैंने इससे पहले बाघों के निशान कभी नहीं देखे थे, लेकिन टीचर जी के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। जंगल के मुसाफिर कभी भी बाघ शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो बाघ की जगह धारीदार चेहरा कहा करते थे। उनका मानना था कि नाम लेने पर जानवर सामने आ जाता है। एक जमाना था कि पेड़ों की आड़ में बाघों का नजर आ जाना या फिर उन्हें रात में दहाड़ते हुए सुनना इस इलाके में आम बात हुआ करती थी, लेकिन आज बाघ गायब हुए जा रहे हैं और कम ही दिखाई देते हैं। आम तौर पर बाघ इंसानों का शिकार नहीं करते हैं, वो ज्यादातर इंसानों से दूर ही रहना चाहते हैं। अगर जंगल में उनसे आमना सामना हो जाए तो वो अक्सर भाग लिया करते हैं। अगर कोई बाघ इंसान पर हमला करता है तो वो आम बात नहीं होती है। कभी कभी जो दिखता है वो बाघ नहीं होता है। जंगल में प्रेतात्माएं होती हैं जो आपको फांस लेती हैं। अगर कोई किसी किस्म की गलती करता है और जंगल से सफर करता गुजरता है तब उसे बाघ दिखाई देता है। अक्सर वो असली बाघ नहीं बल्कि बाघ के रूप में राक्षस होता है। टीचर जी जंगल के देवताओं की पूजा करके उनसे यहाँ डेरा डालने की आज्ञा लेते हैं और साथ ही बाकी का सफर सुरक्षा के साथ पूरा होने की प्रार्थना भी करते हैं। पारंपरिक रूप से हम अपने हाथियों की नस्ल जंगली हाथियों से आगे बढ़वाते हैं। एक जमाने में हाथी महंगे हुआ करते थे, दौलत की खातिर नहीं बल्कि अपनी उपयोगिता के कारण। सारे जंगली हाथियों में सफेद हाथियों की सबसे ज्यादा मांग हुआ करती थी। वैसे तो उनके और आम हाथियों के रंग में कोई खास फर्क नहीं हुआ करता था, लेकिन उन्हें पावन माना जाता था। बर्मा और थाईलैंड के राजाओं के लिए सफेद हाथी सत्ता और शक्ति का जीता जागता प्रतीक हुआ करते थे और उनकी सवारी करने वाले महावतों का खूब सम्मान हुआ करता था। एक जमाने में इस इलाके में भी हाथी पाए जाते थे। टीचर जी ने बताया कि सियाम साम्राज्य हाथियों की शक्ति के बल पर ही उभरा था। हाथी जंगल की सफाई किया करते थे, सामान लाद कर ले जाते थे। और युद्ध लड़ा करते थे। बर्मा और थाईलैंड के बीच कई बड़े बड़े युद्ध हुए। महावत अपने हाथियों को रणभूमि में ले जाया करते थे। चारों ओर से रक्षा करने के लिए हर सेनापति के साथ चार सिपाही हुआ करते थे। सेनापति हाथी पर सवार होकर बड़े बड़े भालों से लड़ा करते थे। हाथी एक दूसरे से भिड़ जाया करते थे, दांतों से दांत मिलाकर। दो सेनापतियों की लड़ाई के अंजाम से ही युद्ध में हार जीत का फैसला हुआ करता था। मेरी राय तो ये है कि हाथियों को अमन के साथ रहना चाहिए, लड़ाई से दूर। लोंपा तो सो थो का लाभ ले ले बो ए गा ब्लू आ ले ले
काला लेप के तुलान बेजों लौटे वो जंगली हाथी है क्या? चलो चलकर देखते हैं। आपको अंधेरे से डर नहीं लगता है? हम लोग यही रुके तो क्या होगा? हो सकता है जंगली हाथी चले आए, क्योंकि वो जिज्ञासा से भरे होते हैं। अगर हम अपने हाथियों को जंगल में खुला छोड़ दें, तो क्या वो इन पालतू हाथियों को नुकसान पहुंचाएंगे? कभी कभी ऐसा होता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। कोई बात नहीं, कल और भी हाथी होंगे और हम उनकी सवारी खुद कर लेंगे। मुझे नींद नहीं आ रही है, शायद इसलिए कि आंखें बंद करते ही लगता है जैसे अलाव के पास बाघ खड़े हों, या फिर कभी कभी लगता है जैसे जंगली हाथी जंगल में दौड़ रहे हों, या फिर इसलिए कि मालूम है कि सवेरा होते ही यहाँ से निकल जाना है। सुबह हो गई है और ये हमारे सफर का पांचवा दिन है। अब हम गांव से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आज सवेरे हम लोग त्योहार मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसे नर्म करके फिर गूंधो, बहुत पतला होगा तभी मुड़ेगा। मैं त्योहार के लिए मोमबत्तियां बना रही हूँ। ये जंगल में खाली पड़े शहद के छत्ते से जमा किए मोम से बनाई जा रही है। शहद का छत्ता मेहनत, प्रेम और स्नेह का प्रतीक होता है, शुद्धता का प्रतीक होता है। आज रात वहां आने वाले परिवार का हर सदस्य अपने साथ एक मोमबत्ती लाएगा। तीरावत के पिता इमली और नमक के गोले बना रहे हैं ताकि हाथियों को इस खास मौके पर कुछ खास खाने को मिले। कुछ चीजें शब्दों में बयां नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि उन्हें बयां करने के लिए शब्द होते ही नहीं हैं। जब आप किसी पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं, तब सिर्फ एक भावना होती है। वो जगह आपको बड़ी अपनी सी लगती है। मैं जानती हूँ कि एक दिन मैं नॉन बुआंग के साथ इस जगह जरूर लौट के आऊंगी। हम लोग इतनी दूर आ पहुंचे हैं अपने हाथियों के साथ, लेकिन हमारा सफर अभी काफी लंबा है। हम हाथियों के दीवाने लोग हैं और हम आपस में बड़े पुराने बंधन से बंधे हैं। हो सकता है कि समय के साथ महावतों का रिवाज खत्म हो जाए, लेकिन हाथी तो रहेंगे ही। हाथी जानते हैं कि हम उनसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना अपने परिवार से करते हैं। बहाव काफी तेज है, उम्मीद से कहीं ज्यादा। अगर किसी पत्थर पर फिसले तो जान से जाएंगे। नोंग बुआंग संभल संभल कर कदम बढ़ा रही है। वो जानती है कि माई वियोंग उसे कुछ नहीं होने देगी। पहुंचने की खबर फैल गई है, लोग हमें देखने के लिए आ रहे हैं। हम अपने घर से काफी दूर हैं,
नदी पार करके इतनी दूर तक कम ही हाथी आते हैं, इसीलिए लोग हमें देखने आ रहे हैं। टीचर जी भी काफी उत्साहित हैं। गांव में उनका परिवार उनका इंतजार जो कर रहा है, उनके परिवार ने उन्हें महीने भर से देखा नहीं है। डरो मत, ये काटेगा नहीं। वो देखो हाथी देखो। आप घर जा रहे हैं? जी हाँ। ठीक है, बाय बाय। टाटा करो, टाटा टाटा, बाय बाय। हमने एक दूसरे से विदा ली, लेकिन कुछ ही देर के लिए। हम टीचर जी और उनके परिवार से रात में त्योहार के दौरान फिर मिलेंगे। हमारा सफर पूरा हो चुका है। हम बौद्ध पर्व मनाने के लिए गांव तक समय पर पहुंच गए हैं। आज के दिन हाथियों को आशीर्वाद मिलने का बड़ा महत्व है। आज का आशीर्वाद हमारे लिए भी खुशनसीबी की सौगात लेकर आएगा। भिक्षु हाथियों को बहुत ही पावन मानते हैं और उन्हें बड़े आदर से आशीर्वाद देते हैं। नॉन बुआंग मेरी साथी है और मेरी सबसे अच्छी सहेली है। अगर ये साथ ना होती तो ये सफर पूरा ही ना होता। आज चांद के घटने की पहली रात और बरसात के मौसम के खत्म होने का दिन है। आज के दिन सच्ची श्रद्धा से चढ़ाए गए चढ़ावे खुशहाली के संदेश लाएंगे। मोमबत्ती की लौ हमारी इच्छाओं के संदेश पहुंचाती हैं। हम अपने पूर्वजों के लिए दुआएं करते हैं, अपने परिजनों के लिए दुआ मांगते हैं और उनके लिए भी दुआ करते हैं जो हमारे साथ यहाँ तक नहीं आ पाए। जब मैं अपनी बेटी को देखता हूँ तब अगली पीढ़ी के लिए उम्मीद जगती है। लगता है कि शायद हम अपनी परंपरा को आगे बढ़ा पाएंगे, हम अपनी हाथियों की सभ्यता को जिंदा रख पाएंगे। मोमबत्तियों की लौ का बुझना इस बात का संकेत होता है कि हमारी दुआएं अपनी मंजिल तक पहुंच गई हैं। सारी रीतियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन ये चरण मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। इन कंदीलों को जलाकर हवा में उड़ा दिया जाता है और ये हमारी दुआएं ऊपर आकाश तक पहुंचा देती हैं। मैंने नॉन बुआंग और सभी हाथियों के लिए दुआ की है। दुआ की है कि हमारा साथ कभी न छूटे। मैं नहीं जानती कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन इतना जानती हूँ कि मुझे इन हाथियों से प्यार है और उस दुनिया से प्यार है जो मैंने इनके साथ देखी है। मेरी बेटी और नॉन्ग बोंग के लिए
ये एक अटूट रिश्ते की शुरुआत है, उस मजबूत रिश्ते की जो जिंदगी भर बना रहेगा। वो रिश्ता जो हाथी और महावत के बीच सदियों से बना रहा है और हमेशा बना रहेगा।